सोलन के परमाणु से लेकर सोलन तक फोरलेन निर्माण के चलते जाबली स्थित सरकारी स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद स्कूल के नीचे लगा डंगा व 3 पेड़ गिर गए हैं, जिसके बाद अब स्कूल भवन को पहले से भी ज्यादा खतरा हो गया है और यदि लगातार बारिश इसी तरह से रहती है तो आने वाले समय में स्कूल का भवन भी गिर सकता है। सोलन के परमाणु से लेकर सोलन तक फोरलेन निर्माण के चलते जाबली स्थिति सरकारी स्कूल को खतरा पैदा हो गया है। क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद स्कूल के नीचे लगा डंगा व 3 पेड़ गिर गए, जिसके बाद अब स्कूल भवन को पहले से भी ज्यादा खतरा पैदा हो गया है और यदि लगातार बारिश इसी तरह से रहती है तो आने वाले समय में स्कूल भवन भी गिर सकता है। आपको बता दें कि परमाणु शिमला फोरलेन निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसके कारण परमाणु से लेकर सोलन तक कई भवनों में दरारें आ चुकी हैं व कई भवन जमीन दोज हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को भारी बारिश के दौरान जाबली स्कूल के नीचे लगे फोरलेन कंपनी द्वारा लगाया गया डंगा और उसके ऊपर की मिट्टी खिसक गई और देखते ही देखते पूरा डंगा व यहां लगे पेड़ भी गिर गए, जिसका लाइव वीडियो भी है जिसमें देखा जा सकता है। तो ये था आजमपुर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।